करें, रस्ट सारे फंगल डिजीज हैं जी, रस्ट जितने भी है वो सारी फंगल डिजीजेस हैं। जुजवी कांगियारी रस्ट नहीं है, जुजवी कांगियारी करनाल बंट है। वीट इरिगेशन क्राउन रूट स्टेज पर बेस्ट है, अगर ये पेपर में क्वेश्चन भी आया तो आपने क्राउन रूटिंग ही लगाना है, बोटिंग स्टेज नहीं लगाना। सलाइन सॉइल का सॉइल कौन सी भी है, सीड रेट हमारा सेम ही रहेगा, ये डिपेंड नहीं करता कि हमारी सॉइल सलाइन है या नहीं है। मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ वीट रस्ट, और सबसे ज्यादा जो कॉमन डिजीज है वो रस्ट है, उसके बाद करनाल बंट है, उसके बाद वीट स्मट है। इसमें एक मेंबर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है सर रस्ट वाले 9 पॉइंट्स आप दोबारा बता दें। रस्ट में आपने जिस तरह मैंने आपको बताया येलो रस्ट है, स्ट्रीप रस्ट और पेक्टिनिया स्ट्रीफॉर्मिस, ये तीनों नाम एक ही रस्ट के डिजीज के हैं। वो आपको कंफ्यूज करके ये पूछ सकता है जो येलो रस्ट है उसे हम कौन सी रस्ट कहते हैं, वो ब्लैक रस्ट है, येलो है या ब्राउन है। इस तरह के मुकम्मल 9 ऑप्शन में से घुमाकर आपको क्वेश्चन वो कोई भी पूछ सकता है। सर इसमें डी शेप का मतलब ये है कि जो एयर कोकल डिजीज है उसके अंदर जो स्पाइक्स का एक्चुअल शेप है वो खत्म हो जाती है, वो चुरमुर जाके इकट्ठा हो जाता है, वो सी शेप में हो जाए चाहे वो मुकम्मल अपनी तरफ बेंड हो जाए। ये डी शेप का मतलब ये नहीं होता कि वो डी की शक्ल कर लेगा, डी शेप मतलब कि वो अपनी असल शेप से हट गया है। जी जुनेद भाई नेक्स्ट आ जाएं, स्लाइड नेक्स्ट कॉटन की। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं कॉटन। कॉटन का सबसे पहले टेक्निकल नेम, पाकिस्तान में कॉटन 2 टाइप्स की होती है, एक को हम कहते हैं देसी कॉटन, दूसरे को हम कहते हैं अमेरिकन कॉटन। जो देसी कॉटन का नेम है उसका नाम है गोसेपियम आर्बोरियम, और जो अमेरिकन कॉटन है उसका नाम है गोसेपियम हिर्सुटम। ये 2 क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि देसी कॉटन का नाम क्या है और अमेरिकन कॉटन का नाम क्या है। इन दोनों की फैमिली जो है वो सेम है, जिसे हम कहते हैं मालवैसी। कॉटन की फैमिली है मालवैसी। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। टैप रूट सिस्टम विच कैन बी पेनिट्रेट डीप इन टू 200 सेंटीमीटर, जो इसकी रूट्स हैं वो 200 सेंटीमीटर तक नीचे सॉइल में डीप जा सकती हैं। अगर नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि इसकी ब्रांचेस क्या है। ब्रांचेस इसमें 2 टाइप्स की होती हैं, जिसमें कहते हैं मोनोपोडियल ब्रांचेस और सेम्पोडियल ब्रांचेस। अब मैं आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कर दूं। मोनोपोडियल ब्रांचेस वो होती हैं कि जो एक ही स्टेम सीधा जा रहा है, उसके अंदर साइड से जो ब्रांचेस अपेयर हो रही हैं उसे हम कहते हैं मोनोपोडियल ब्रांचेस। सेम्पोडियल ब्रांचेस ऐसे होती हैं जो स्टेम है वो बिल्कुल जिग-जैग के तरीके से जाएगा और उसके अंदर से काफी ब्रांचेस अपेयर होंगी, मतलब कि उसके अंदर ये सिंगल ब्रांच नहीं होता। सेम्पोडियल जो मोनोपोडियल है वो सिंगल ब्रांच होता है। नेक्स्ट इसमें यही बात आ गई जो इसका फ्रूट इज कॉल्ड बॉल, कि जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है वो हमारा बॉल ही होता है, जिसके अंदर कार्टन बनती है, और इसके इस पॉड को हम बॉल भी कहते हैं और इस पॉड को हम कैप्सूल भी कह सकते हैं। जिस तरह जो फ्रूटिंग बॉडी हमने वीट पड़ा है उसको हम स्पाइक्स कहेंगे, कॉटन का जो फ्रूटिंग बॉडी है उसे हम कहेंगे बॉल या कैप्सूल। अगर हम इसका सीड देखें तो सीड कंसिस्ट ऑफ 15% प्रोटीन एंड 25% ऑयल। नेक्स्ट, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, ये नंबर 4 पे है वर्ल्ड फॉर कॉटन प्रोडक्शन। जितनी भी कॉटन प्रोड्यूस हो रही है इस वर्ल्ड में, तो हमारा जो नंबर है कॉटन प्रोड्यूस करने में वो है नंबर 4। 70% जो प्रोडक्शन है कॉटन की वो हमारी होती है पंजाब में, बाकी जो होती है वो सिंध प्रोविंस में होती है। टोटल सोल्ड एरिया जो लास्ट ईयर हमारा एरिया हुआ था कॉटन का वो है 38 to 1000 एकड़। मतलब कि आप कह लें इसको सिंपल वर्ड में 38,21,000 एकड़ हमारा जो टोटल एरिया था लास्ट ईयर पंजाब में, और जिसमें बीटी वैरायटीज जिसे हम कहते हैं अमेरिकन कॉटन, और दूसरी होती है देसी वैरायटीज जिसे हम कहते हैं देसी कॉटन। जो 95% जो हमारा वैरायटीज कवर करती हैं वो बीटी वैरायटीज ही हैं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म किया जाता है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि हमें कोई सीड प्रोवाइड कर देता है तो हम उसको कैसे देखेंगे कि वो बीटी है या नॉन बीटी है। इसके लिए 2 मेथड है, एक तो बीटी स्ट्रिप्स हमें मिलती हैं, हम उसके जरिए बीटी वैरायटीज को चेक कर सकते हैं। दूसरा जो केमिकल है कैनामाइसिन, कैनामाइसिन एक केमिकल है, अगर हम उसको भी कॉटन पे स्प्रे करते हैं तो जिससे हम जज कर सकते हैं कि ये वैरायटी बीटी है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम स्प्रे करने के बाद 2-3 दिन बाद चेक करते हैं, अगर जो पौधे येलो हो गए या जिनका रंग चेंज हो गया है ग्रीन से येलो की तरफ जा रहे हैं वो पौधे बीटी वैरायटीज के नहीं हैं। जो पौधे बिल्कुल ठीक प्लांट्स हमारे फील्ड में मौजूद हैं वो बीटी वैरायटीज के हैं। इसके लिए नीचे डोजेस लिखी हुई है, अगर 15 डेज का प्लांट है हमारा कॉटन का तो हम इसको 50 ग्राम स्प्रे करेंगे, अगर 30 डेज का है तो 100 ग्राम कैनामाइसिन स्प्रे करेंगे, 60 डेज का है तो 200 ग्राम हम इसको कैनामाइसिन का स्प्रे करेंगे, अगर 90 डेज इसकी एज है हमारे कॉटन प्लांट की तो हम इसके लिए 400 ग्राम कैनामाइसिन का जो केमिकल है उसको स्प्रे करके हम ये चीज़ चेक करेंगे कि ये प्लांट बीटी है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसके लिए सॉइल कौन सी बेस्ट है, कि किस क्रॉप सॉइल पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकती है कॉटन क्रॉप। तो इसके लिए जो मेरा सॉइल है वो बेस्ट है, जिसके अंदर हार्ड पैन मौजूद ना हो, लेज़र लेवल, लेज़र के साथ सॉइल की लेवलिंग हुई हुई हो। इसमें यह भी बताया जाता है कि 10 to 20% आप देसी वैरायटीज शो करें अपने बीटी वैरायटीज के साथ। 10 to 20% हम कैसे यूज करते हैं कि हम कॉटन बीटी की वैरायटीज लगा दी है, जो इसके कॉर्नर या बाउंड्रीज होती हैं इसके ऊपर 10 to 20%, मतलब 1 या 2 लाइन या इसकी बाउंड्री जो है ना वो हम देसी वैरायटीज की लगा देते हैं। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, हम जब हम कॉटन का सीड शो करते हैं तो इसके लिए जो उसके ऊपर बुर लगा होता है वो हमने उतारना होता है, जिसे हम कहते हैं डीलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 kg सल्फ्यूरिक एसिड का एसिड यूज फॉर डीलिंटिंग ऑफ 10 kg, 1/10 की रेशियो है। अगर हमारा बीज है 10 एकड़ सीड रेट है तो इसके लिए हम 1 kg सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूज सीड ट्रीटमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ सकिंग इंसेक्ट पेस्ट टिल 30 डेज। हम इसके लिए सोर सीड ट्रीटमेंट एज लाइक वही जो हमने वीट में यूज की थी, होमब्रे कर सकते हैं, मिडाक्लोप्रिड है, टेबोकोनाजोल है, क्लोथियानिडीन है। ये हम सीड ट्रीटमेंट के लिए केमिकल यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी सीड रेट क्या है, इसका जो ज्यादा है तो 75% जो जर्मिनेशन होती है वो बेस्ट काउंट की जाती है। 6 to 8 kg पर एकड़ आप यूज करेंगे अगर आपका जर्मिनेशन 75% है। 8 to 10 kg पर एकड़ हम सीड रेट यूज करेंगे अगर आपकी जर्मिनेशन 60% है। ये जितने भी बैग्स होते हैं ना कॉटन के, इसके ऊपर मेंशन होता है कि इस वैरायटी या इस सीड की जर्मिनेशन परसेंटेज कितनी है। नेक्स्ट आगे आगे वैरायटीज आपको पहले बताया हो कि टू टाइप्स की वैरायटीज हैं, एक में बीटी वैरायटीज आ जाती है और एक में नॉन बीटी वैरायटीज आ जाती हैं। बीटी वैरायटीज आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में बीटी वैरायटीज लिखी हुई हैं, इनमें से कुछ हाईलाइटेड हैं और कुछ हाईलाइटेड नहीं है। जो हाईलाइटेड हैं वो रीसेंट वैरायटीज हैं जो 2020 में अप्रूव हुई थी। IOB 2013-222 ये पुराना ओल्ड वैरायटी है, BS 15 ये ओल्ड वैरायटी है, लेकिन BS 20 ये न्यू वैरायटीज है। इस तरह ये मुकम्मल वैरायटीज हैं, ये आपने सब याद करनी है क्योंकि इनमें से कोई भी आप एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन कॉलम है इसके सामने उसमें लिखा हुआ नॉन बीटी वैरायटीज, जो 6 वैरायटीज हैं ये नॉन बीटी वैरायटीज हैं जो हम ग्रो करते हैं। MNH 786, नयाब किरण, सीटो 124, CIM 610, CIM 620, GS अली 7। जो नीचे कॉलम में लिखी हुई है ना वैरायटीज 5, ये भी न्यू वैरायटीज हैं जो कंपनीज ने बनाई है। NISP 1011, CIM 663343, हथफ अमीन जाहिर साहब का कोई वॉइस का इशू है जिसकी वजह से वो कनेक्ट करने की अगेन कोशिश कर रहे हैं, प्लीज स्टे कनेक्टेड। हेलो जी, आवाज आ रही है अमीन भाई, कंटिन्यू करें। जी ठीक है, जो लेफ्ट राइट साइड पे कॉलम दिया गया ये बिल्कुल न्यू वैरायटीज है। NISP 1011, CIM 663343, हथफ थ्री में ये एक इम्पोर्टेंट MCQs है क्योंकि ये रिसेंटली वैरायटीज जो है बायो ट्रेडर्स जो फोर ब्रदर्स कंपनी है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। इस पे 2 करैक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो उन्होंने ये बताया कि इस पे पिंक बॉलवर्म का अटैक नहीं होता, दूसरा है कि इस पे आप डायरेक्ट ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर सकते हैं, इसी वजह से ये जो MCQs है हथफ 3 ये इस दफा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नीचे भी 2 वैरायटीज हैं। ICI ये कंपनी है 2424, इन्होंने भी ये वैरायटी न्यू इंट्रोड्यूस करवाई है। उसके बाद आ जाता है जी टाइम एंड मेथड ऑफ सोइंग, कि जितना आप जल्दी लगाएंगे एज लाइक्विड आपको सीड रेट कम यूज करना पड़ेगा। अगर आप जितना लेट जाएंगे तो आपको नंबर प्लांट पॉपुलेशन अपनी उतनी ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर हम 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक देखें तो हमारा जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर या 12 इंच तक होना चाहिए। मीन कि एक रो में अगर जो हम प्लांट लगा रहे हैं उसका जो दरमियानी फासला है वो 12 इंच मतलब 1 फुट तक होना चाहिए, और जो लाइन टू लाइन डिस्टेंस है वो 75 सेंटीमीटर मीन 2.5 फुट तक वो हम इसको रखेंगे। और इस तरह जो हमारी प्लांट पॉपुलेशन बनती है वो है 17,500 प्लांट पॉपुलेशन। हमने 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो हम कॉटन सो करेंगे उस प्लॉट के अंदर मेंटेन करनी है। अगर हम 30 अप्रैल से लेट हो जाते हैं, 1 मई तो 30 मई तक हमारी अगर सोइंग कॉटन की चली जाती है तो हम प्लांट जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो 1 फीट से कम करके 6 to 9 इंच पर चले जाएंगे। मीन के 12 से रिड्यूस करके हम 6 to 9 इंच पर आ गए। जो हमारी रो टू रो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, लेकिन प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम करने में जो हमारे नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो 23,000 से 35,000 तक पहुंच जाएंगे। ये थी बीटी कॉटन की जो हमारी लाइन टू लाइन और रोड टू रोड डिस्टेंस था। अब नीचे देखा हमने में बॉक्स बनाया हुआ, इसके अंदर फॉर देसी कॉटन। देसी कॉटन के अंदर रोड टू रोड डिस्टेंस होगा वो 45 सेंटीमीटर होगा, लेकिन बीडी कॉटन के अंदर जो डिस्टेंस था वो 75 सेंटीमीटर था। और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस देसी कॉटन के अंदर 20 सेंटीमीटर हम रखेंगे, लेकिन अगर हम देखेंगे बीटी कॉटन के अंदर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस वो हमारा वेरी करता है। ये जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है ना, बीटी के दोनों मंथ में और ये देसी के देसी वैरायटीज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से भी एक एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है कि हमने वीड्स इसको कैसे कंट्रोल करनी है। वीड्स के लिए अब 2 टाइप्स के केमिकल यूज होते हैं। अगर हम कॉटन लगाते हैं फौरन ही 24 आवर के अंदर अगर हम स्प्रे कर दें तो इसे कहते हैं प्री इमरजेंस वीडिसाइड्स। अगर हम उस टाइम इसको कंट्रोल नहीं करते तो नेक्स्ट जो 1 मंथ बाद हम वीडीसाइड अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं पोस्ट इमरजेंस वीडीसाइड। जो प्री इमरजेंस आती है इसमें पेंडीमेथिलीन है, मिटालोक्लोर है, एस मेटालोक्लोर है। जो पोस्ट इमरजेंस जो 1 महीने बाद हम अप्लाई करेंगे उसके लिए ग्लाइफोसेट है, इलोक्सीफॉप है और ओक्सिलोफॉप है। इसके लिए हम भी वही यूज करेंगे, टीजेट नोजल यूज करेंगे फॉर स्प्रे। और कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन आपको मैम ने बताया कि कैलिब्रेशन कहते हैं कि 1 एकड़ में हम कितने हमारी टैंकीज स्प्रे की लगनी है उसको जांचने का जो तरीका होता है उसे हम कैलिब्रेशन कहते हैं। मीन के इसके लिए हम कहते हैं 1 टैंकी हमने फिल कर ली, हमने 1 एकड़ पर या जितने 1 एकड़ में जितने भी हिस्से पे वो स्प्रे होगी, मीन की 1 एकड़ में वो 2 कनाल पे उसका स्प्रे हुआ है कि मीन के 1 एकड़ के लिए हमें 4 टैंकियां रिक्वायर्ड होंगी क्योंकि 1 एकड़ में 8 कनाल होती हैं। इस प्रोसेस को जो जांचने का अमल है उसे हम कहते हैं कैलिब्रेशन। नेक्स्ट इसकी आज गए हम पढ़ेंगे इरिगेशन के अबाउट के कॉटन की इरिगेशन कितनी कितनी होती है। कॉटन लगाने के 2 तरीके हैं। एक में एक लाइन सोइंग होता है जो उसमें ऑन रिजिस होता है। लाइन सोइंग हम करते हैं ड्रिल के जरिए, ये बहुत अडॉप्टेबल इतना नहीं है। अमूमन मोस्टली अब लोग रिजिस पर ही लगाते हैं क्योंकि इसके अंदर पानी की जो सेविंग है वो काफ़ी हद तक कम है। अब इन लाइन सोइंग फर्स्ट इरीगेशन करते हैं हम 30 टू 35 डेज एंड रिमेनिंग आफ्टर 12 टू 15 डेज। पहली इरीगेशन हम 1 महीने बाद करेंगे, बाकी जितनी भी इरीगेशन होंगी वो हम 12 से 15 दिनों बाद करेंगे जो हम ड्रिल के जरिए सोइंग की हुई है। नेक्स्ट होता है ऑन रिजिस, कि हम जो ओन की तारों पर हाथ के जरिए सीड लगाते हैं कॉटन का, उसके अंदर इरिगेशन है। फर्स्ट इरिगेशन होगी वो 3 से 4 डेज के बाद होगी, 3 to 4 डेज। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आफ्टर 6 to 9 डेज। पहली इरिगेशन है वो 3 to 4 डेज के बाद, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑनवर्ड है वो 6 to 9 डेज के बाद होगी। डिपेंड करेगा आपके वेदर पे, अगर आपका वेदर हॉट है तो आप 6 डेज बात कर सकते हैं, अगर आपका वेदर हॉट नहीं है तो आप 9 डेज के बाद उसकी इरिगेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो जितनी भी रिमेनिंग है फोर्थ इरिगेशन के बाद आपकी जितनी भी इरिगेशन होगी वो 15 दिन के वक्फे से ही होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी डिजीजेज ऑफ कॉटन, कि कॉटन पर कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं और इनकी सिम्टम्स क्या हैं और इनका कंट्रोल क्या है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डिजीज है वो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो कॉटन पर आती है। इसका दूसरा नाम है एंगुलर लीफ स्पॉट भी इसे कहते हैं, या ब्लैक आर्म भी कहते हैं। और ये जो बीमारी है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है Xanthomonas campestris pv. malvacearum। आप स्लाइड्स में देख रहे होंगे कि हमारे पत्तों पर स्पॉट्स नजर आ रहे हैं जो दरमियान में बिल्कुल ब्राउन हो गया है। इस तरह हमारे बॉल्स पर भी नजर आ रहे हैं, हमारे ट्विक्स पर भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह की सिम्टम्स जो होती हैं, ब्राउन स्पॉट अपीयर ऑन लीव्स लेटर बिकम ब्लैक एंड ऑन स्वेयर अटैक। पहले जो होते हैं स्पॉट्स वो ब्राउन होते हैं, जब इसका इंटेंसिटी डिजीज की बढ़ जाती है तो वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं और इसे हम कहते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। इसके लिए हम कोई भी बैक्टीरियल साइड स्प्रे करते हैं, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, कॉपर हाइड्रोक्सीक्लोराइड या कसूगामाइसिन। सीड बोर्न एंड बैक्टीरियल डिजीज, और ये सीड बोर्न डिजीज है। नेक्स्ट है बॉल रॉट। बॉल रॉट वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बॉल जो इसका फ्लोटिंग पॉट है और रॉट गलना, कि ऐसी बीमारी जिसके अंदर बॉल जो है वो गल सड़ जाता है। ठीक है, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ऐसे बॉल गला हुआ होगा, इसे हम कहते हैं बैक्टीरियल बॉल रॉट, और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पेक्टिनिया एग्लोमेरेंस। ठीक है, और ये बैक्टीरियल डिजीज है। बॉल कन्वर्ट इनटू ब्लैक कलर, जो हम बॉल के अंदर जो भी हमारी रुई होगी वो भी गल सड़ के बिल्कुल ब्लैक कलर की हो जाएगी। लीव कलर टर्न इनटू येलो, जो हमारे पत्तों का कलर होगा वो भी ग्रीन से येलो की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जो हमारी पहली डिजीज है ना बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ये इंपॉर्टेंट डिजीज है। उसके बाद जो हमारी थर्ड पे हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं CLCV, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिजीज़ है क्योंकि पाकिस्तान में इस सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो इसी डिजीज़ की वजह से होता है। और ये डिजीज़ होती है CLCV कॉटन लीफ कर्ल वायरस, जो इसको पैथोजन को आगे बढ़ाता है वो होती है ड्यू टू वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है जो इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म वायरस को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में शिफ्ट कर देता है। अपवर्ड टर्न कप, जब ये बीमारी की एक इम्पोर्टेंट सिम्पटम है कि ये ऊपर की तरफ इकट्ठे होके एक कप शेप बन जाते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जितने भी लीव्स हैं ये ऊपर की तरफ इकट्ठे होके उन्होंने कप शेप बना लिया है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट इसकी सिम्पटम है। और सबसे तीसरे नंबर पे जो इसका एक इम्पोर्टेंट MCQs बन सकता है वो है लीफ इनेशन। लीफ इनेशन क्या है कि राइट साइड पे जो आपको पिक्चर देख रहे हैं ना, इसके लीफ की बैक साइड पर आप देखें कि 3 एरो बने हुए हैं जिनके अंदर छोटे छोटे लीफ जो हैं वो नीचे की तरफ भी ग्रो करना स्टार्ट हो गए हैं। ये भी एक वायरस की एक सिम्पटम है कि अगर ये आप पत्ते के नीचे ऐसे लीव्स देखें बने हुए तो ये आप के जो फील्ड है उसके ऊपर CLCV का अटैक हो चुका है। ठीक है, और इस लीव्स को कहते हैं लीफ इनेशन। और 1992 में इस चीज़ का हमारे ऊपर जो हमारी क्रॉप्स है इस पर सेवर अटैक हुआ था। ठीक है, और इसका बेस्ट कंट्रोल मेजर यही है कि आप अगर आप CLCV को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करें। नेक्स्ट आगे है कॉटन विल्ट। इस साल जो कंटिन्यू चल रहा है पाकिस्तान कह ले पंजाब में, इसका काफ़ी जगह पर इसका अटैक देखने को आया है। मे भी जो एग्जामिनर है वो इसके अबाउट पूछ सके। कॉटन विल्ट जो है ये फंगल डिजीज़ है। इसके 2 कॉजल ऑर्गेनिज्म है, एक फ्यूजेरियम है, एक वर्टिसिलियम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रूट्स होती है ना वो ब्लैक होकर जो ऊपर वाला पोर्शन है प्लांट का वो ड्राई हो जाता है, जिस तरह लीव आपको पिक्चर्स में दिखाया गया है। जैसे ये ड्राई होगा इसके साथ पहले लीव्स ड्राई होंगे, उसके बाद स्टेम, और एट दी एंड मुकम्मल जो प्लांट है वो आपका ड्राई हो जाएगा। इसके लिए भी हम फंजीसाइड फ्लड करते हैं, और ये किसी भी स्टेज पर आ सकती है। जर्म प्लांट जैसे ही जर्मिनेट करता है उस टाइम भी इसका अटैक हो सकता है, या जब ये मुकम्मल ग्रोथ कर ले तब भी इसका अटैक हो सकता है। नेक्स्ट है रूट रॉट ऑफ कॉटन। रूट रॉट ऑफ कॉटन जो है ये फंगल की वजह से भी होती है और बैक्टीरियल की वजह से भी होती है। आप देखेंगे सेम है, जिस तरह कॉटन विल्ट थी इसी तरह रूट रॉट है, कि इसके अंदर जितने भी हमारे रूट्स हैं वो ख़राब होकर पौधा जो हमारा वो ड्राई हो जाता है। लेकिन ये इतनी पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान में CLCV का बहुत ज़्यादा अटैक देखने को आता है, और इस साल कॉटन विल्ट का बहुत ज़्यादा अटैक हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेस्ट स्कॉटिंग। पेस्ट स्कॉटिंग, पेस्ट स्कॉटिंग क्या है कि किसी भी एकड़ में हम नंबर ऑफ इंसेक्ट पेस्ट को जांचने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं पेस्ट स्कॉटिंग। पेस्ट स्कॉटिंग इज चेक द नंबर ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इन स्पेसिफिक एरिया। स्पेसिफिक एरिया मीन वो आपका 1 एकड़ भी हो सकता है, वो 5 एकड़ का ब्लॉक भी हो सकता है और वो 10 एकड़ का ब्लॉक भी हो सकता है। जब हम किसी की पेस्ट स्कॉटिंग, किसी भी ब्लॉक की पेस्ट स्कॉटिंग करेंगे तो इसके नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनोलॉजी यूज होगी ना, वो 2 टर्मिनोलॉजी यूज होंगी, एक होता है ETL लेवल और एक होता है EIL लेवल। ठीक हो गया। जो ETL लेवल होता है इसे हम कहते हैं इकोनॉमिकल थ्रेशहोल्ड लेवल। इकोनॉमिकल थ्रेशहोल्ड लेवल के एक ऐसा नंबर्स इंसेक्ट के कि अगर इससे ऊपर नंबर्स चले जाएंगे ना तो हमारा जो लॉस है पेस्टिसाइड का वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। ETL लेवल और EIL लेवल इसे कहते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल। अगर मीन मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि जैसड है, जैसड का ETL लेवल 1 है। ठीक है, अगर 1 से कम हम आपको पेस्ट स्कॉटिंग के जरिए नंबर्स ETL लेवल या जैसड हमें 1 पर लीफ से कम फील्ड में मिलता है तो इट मींस कि जो हमारा लॉस हो रहा है, जैसेड हमारा कर रहा है फील्ड में, वो स्प्रे के पैसे से कम है। लेकिन जैसे ही जैसेड जो है वो 1 पर लीफ से ज्यादा होगा मीन के हमारे स्प्रे का खर्चा जो है वो कम है, लेकिन जो जैसेड है वो ज्यादा नुकसान कर रहा है। जैसे ही ETL लेवल से अबव जाएगा कोई भी इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है, तो इसके लिए स्प्रे हमारे लिए लाजमी हो जाएगा। और इकोनॉमिक इंजरी लेवल होता है वो तो ऑटोमेटिकली उस पर जो हमारा नुकसान है ना वो स्टार्ट हो जाता है। अगर हम पेस्ट स्कॉटिंग कब करते हैं अपनी कोई भी क्रॉप की, हमें 7 दिन के बाद करनी चाहिए। अगर हमारा कोई भी इंसेक्ट पेस्ट पर ज़्यादा अटैक बहुत ज़्यादा है तो हमें वीक में 2 टाइम्स जो इसकी पेस्ट स्कॉटिंग है वो करनी चाहिए। अब हम इन पेस्ट स्कॉटिंग कैसे करते हैं, जो जितने भी सकिंग इंसेक्ट पेस्ट है कॉटन के, जिस तरह वाइट फ्लाई है, जैसिड है, थ्रिप्स है, माइट्स है, इसके लिए हम 20 लीव्स चेक करेंगे। 20 लीव्स चेक करके उसकी पर एवरेज निकालेंगे पर लीफ के कौन सा इंसेक्ट पेस्ट कितने पर एवरेज आ रहा है। अगर हम बॉल वर्म्स की देखें तो हम 25 प्लांट्स को चेक करेंगे। 25 प्लांट्स किस तरह चेक करेंगे, पूरे एकड़ में 5 पॉइंट्स बनाकर हर पॉइंट पे हम 5 प्लांट्स को चेक करेंगे। अगर हम 5 प्लांट्स को 5 पॉइंट पर चेक करेंगे तो 25 प्लांट्स हो जाएंगे। ठीक है, 25 प्लांट्स को चेक करके फिर हम देखेंगे कि हमारा जो पेस्ट है वो ETL लेवल पर है मौजूद है या ETL लेवल पर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हमारा है जी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। के बेनिफिशियल इंसेक्ट्स कौन से होते हैं, एक तो ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स वो होते हैं जो नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट पेस्ट पर फीड करते हैं। जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि वाइट फ्लाई एक इंसेक्ट है, लेकिन इस पर भी बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिसे हम प्रीडेटर भी कहते हैं जो वाइट फ्लाई पर फीड करते हैं। जो अमूमन कॉमनली हमारा इस टाइम इसमें यूज हो रहा है वो है क्राइसोपरला कार्निया, जिसे हम कहते हैं लेस विंग भी कहते हैं। नीचे इसकी पिक्चर दिखाई हुई है। लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो 1 और 2 जो लेफ्ट साइड पे बिल्कुल क्राइसोपरला कार्निया का अडल्ट दिखाया गया है। नंबर जो मिड में हमें पिक्चर दिखाई गई है ये इसका लार्वा है, ठीक है, जो एफिड पर फीड कर रहा है और ये वाइट फ्लाई पर भी फीड करता है। ठीक है, जो बिल्कुल राइट साइड पर दिखाया गया है ये है कॉटन ट्राइकोग्रामा वास्प, जो किसके लिए हम बेनिफिशियल इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉटन बॉल वर्म के लिए। जो हम बेनिफिशियल या प्रीडेटर इस्तेमाल करते हैं वो है ट्राइकोग्रामा, ये एक पैरासाइट वास्प है। ठीक है, ये जितना भी बॉल वर्म्स हैं उनके लार्वा हैं, उनके अंदर पैरासाइट करके एग ले करता है। जैसे वो एग हैच होते हैं तो वो उनके जो बच्चे होते हैं वो मुकम्मल लार्वा को अंदर से खाकर उसको उससे बाहर आ जाते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन ये है। लेकिन जो वाइट फ्लाई या जो सकिंग पे पेस्ट करते हैं वो एज ए प्रीडेटर काम करते हैं। जो कॉटन बॉल वर्म का है ट्राइकोग्रामा, ये एज ए पैरासाइट काम करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कॉटन। कॉटन के जो इंसेक्ट पेस्ट हैं वे मैम ने आपको बता दिए थे बहुत अच्छे से। जैसिड है, जैसिड का मैं आपको बताता चलूँ जो CLCV का अटैक होता है इस पे कप शेप पत्ते जो हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन जो जैसिड का अटैक होता है जो कप शेप बनता है वो नीचे की तरफ बनता है। जैसे ये नीचे पिक्चर में दिखाया गया है कि जो पत्ता है वो डाउनवर्ड टर्न हुआ हुआ है, लेकिन CLCV में जो पत्ता है लीव है वो ऊपर की तरफ कप शेप बनता है। नेक्स्ट हमारा आ गया वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई हम लास्ट टाइम में देखे जो जैसिड है उसका ETL लेवल 1 है, जो वाइट फ्लाई है इसका ETL लेवल 5 है। 5 इसमें अडल्ट और निम्फ हम दोनों काउंट करेंगे। ठीक है, ये प्लांट जितने भी लीव्स हैं उनका जो सक है वो सैप करती है। ठीक है, और सैप करने के साथ साथ वो एक हनी ड्यू सिक्रेट करती है जिसकी वजह से जो फंगस है वो ग्रो हो जाती है, जिसकी एज लाइक आप देख रहे हैं ना लेफ्ट साइड पे पत्ते जो ब्लैक हो गए हैं, इस फंगस की वजह से हुआ है जो कि वाइट फ्लाई स्क्रीट करने की वजह से इधर हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे थ्रिप्स। थ्रिप्स का जो ईटीएल लेवल है वो है 8 to 10 पर लीफ, ठीक है। और थ्रिप्स का अटैक की मेन सिम्टम्स ये है कि जो पत्ते का ब्लो साइड है वो बिल्कुल व्हाइटिश कलर का हमें नजर आएगा, जिस तरह ये पिक्चर्स में दिखाया गया है कि जो पत्ते की नीचे वाली डाउन साइड है ये बिल्कुल वाइट हो जाएगी, और ज्यादा अटैक होगा तो पत्ता हमारा लीफ हमारा वो गिर भी जाएगा। उससे आगे हैं कॉटन माइट्स। कॉटन माइट्स में जो अडल्ट और निम्फ दोनों जो हैं वो सक्सेप करते हैं, और जो हमारा लीफ है वो रेड कलर का हो जाएगा। ये कॉमनली हमें लीफ के नीचे वाली साइड पर देखने को मिलती हैं, और इसका ईटीएल लेवल है 10 to 20 पर लीफ। अगर इसने हमें पर लीफ पे मिलेंगे तो हमारा जो इसका केमिकल स्प्रे है वो लाजमी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैं कॉटन स्टेनर्स। इसमें टू टाइप्स के कॉटन स्टेनर हैं, एक को हम कहेंगे रेड कॉटन बग, दूसरे को हम कहते हैं डस्की कॉटन बग। रेड कॉटन बग हमारी रेड कॉटन बग इसलिए स्टेनर्स, इसीलिए इनको हम कॉटन स्टेनर्स भी कहते हैं क्योंकि रेड कॉटन बग जो है एट दी एंड जैसे बॉल ओपन जो हमारी फाइनल कॉटन होती है उस पर अटैक करके उसको रेड कलर का कर देता है, और जिससे हमारी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। और जो बॉल्स हमारे ओपन होने वाले होते हैं उनको भी ये डिफिकल्ट क्रिएट करता है कि वो ओपन ना हो। नेक्स्ट है हमारा जो वो डस्की कॉटन बग है। डस्की कॉटन बग सक्सेप करता है, और जो बॉल या इसके अंदर जो सीड होता है उसका जो वेट होता है वो रिड्यूस कर देता है। मिली बग है। मिली बग आप पिक्चर में देख रहे हैं लीफ के बैक साइड पर मौजूद है, ये स्टेम पे भी हो सकता है। इसका ईटीएल लेवल है ऑन ऑब्जर्वेशन कि जैसे ही ये आपको नजर आए आप इस पर स्प्रे करके इसको कंट्रोल करें, और ये भी हमारा सक्सेप करके प्लांट को डिटेरियोरेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्पॉटेड बॉलवर्म है और अमेरिकन बॉलवर्म है। जो स्पॉटेड बॉलवर्म है ये होल, ट्विग, शूट एंड लेटर इन बॉल्स। पहले ये स्टेम पे जो इसका मेन स्टेम होता है कॉटन का उस पे होल क्रिएट करके फीड करेगा, उसके बाद ट्विग्स पर चला जाएगा और लेटर ये बॉल्स पर फीड करेगा। जब हम इसको बॉल्स को ओपन करते हैं तो इसके अंदर ये हमें स्पॉटेड बॉलवर्म मौजूद होगा। नेक्स्ट जो इसके राइट साइड पर दिया गया हुआ ये है अमेरिकन बॉलवर्म। अमेरिकन बॉलवर्म की जो मेन आइडेंटिफिकेशन ये है कि जब ये फीड कर रहा होगा बॉल पर तो एक आधी जो हमें हाफ लार्वा वो हमें बॉल के अंदर मिलेगा, जो हाफ लार्वा है वो बॉल के बाहर मिलेगा, और ये भी स्टेम पे भी फीड करेगा, ट्विग्स पर भी फीड करेगा, और एट द एंड बॉल्स पर भी ये फीड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पिंक बॉलवर्म। पिंक बॉलवर्म ये भी एक कॉटन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पेस्ट है, ठीक है। और इसके अबाउट 1 या 2 क्वेश्चन हर पेपर में लाजमी आते हैं। सबसे पहले आता है पिंक बॉलवर्म। जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये पेक्टिनोफोरा गॉसिपिएला गैल्चिडी इसकी जो फैमिली है। जब इसके सिम्टम में अगर हम बात करें ना तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये रोजेट फ्लावर क्रिएट करता है या रोजेट फ्लावर बनाता है। आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि जो फ्लावर्स हैं इनका मुंह बंद हो चुका है। जब हम इसको ओपन करके देखते हैं ना तो इसके अंदर जो पिंक बॉलवर्म है इसका लार्वा मौजूद होता है कि अगर फील्ड में आपके रोजेट फ्लावर मौजूद हैं तो इट मींस कि आपके 100% छोटी है कि आपके फील्ड में पिंक बॉलवर्म मौजूद है। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय द जिनिंग फैक्ट्रीज वेस्टेज टिल 31 जनवरी। इसको कंट्रोल करने के लिए हमने वो ऑफ सीजन मैनेजमेंट स्टार्ट की हुई थी, जिसके अंदर हम जितनी भी छिड़ियाँ या कॉटन स्टिक्स फील्ड में मौजूद हैं इनके टिंडे जो हैं वो उतार दें, ठीक है, उतार दें या इसके ऊपर किसी भी किस्म का स्प्रे करें। अगर ये फील्ड में हो तो इसके लिए एक और चीज इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं पीबी रोप्स। ये आपको नीचे लेफ्ट साइड पर दिखाया हुआ एक बॉल पॉइंट के साथ एक वायर्स लगी हुई है। ये वायर्स के अंदर केमिकल मौजूद है जिसे हम कहते हैं गोसिप्लोर। गोसीप्लोर क्या करता है कि बिल्कुल राइट साइड पे अगर आप देखें ना तो ये वायरस को ना प्लांट के ऊपर हमने लटका बांधा हुआ या लटकाया हुआ है, ठीक है। इस तरह हर क्रॉप के हर प्लॉट के अंदर हम अप्रोक्सीमेटली 120 वायर्स जो होते हैं वो लगाते हैं, ठीक है, जिससे जो पिंक पॉलवर्म का जो मेल माउथ है ना इसके अंदर से स्मेल या ऑर्डर कोई भी है वो खारिज होती है जो मेल माउथ को अट्रैक्ट करती है। जैसे ही वो मेल माउथ को अट्रैक्ट करेगी, इसके अंदर हमने ट्रैप्स लगाए होते हैं हर फील्ड के अंदर, ठीक है, तो वो उस ट्रैप के अंदर आके मौत जो है वो ट्रैप हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो पिंक बॉलवर्म है उसकी जो आगे न्यू जनरेशन है या उसकी ज्यादा जो नंबर्स हैं वो नहीं हो सकेंगे। नेक्स्ट जो है वो आर्मी वर्म है। आर्मी वर्म का जो ईटीएल है वो ऑन ऑब्जर्वेशन ही है कि जैसे ही आपको फील्ड में नजर आए आप इस पर स्प्रे कर दें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी कि पिकिंग कि कॉटन की पिकिंग कैसे होनी चाहिए या कितने परसेंटेज पर होनी चाहिए। कॉटन हमको तब पिक करनी चाहिए जब 40 से 50% या 40 to 50% बॉल जो होने ओपन होने चाहिए। ये नहीं कि अगर आपके प्लांट्स के थोड़े से बॉल जो ओपन हुए हैं तो आप पिकिंग स्टार्ट कर दें, नहीं। जब आपके कॉटन ब्लॉक के 40 to 50 बॉल्स ओपन हो जाएं 40 to 50%, तब आप पिकिंग स्टार्ट करें। जो बेस्ट टाइम है वो 10 बजे से लेके 4 बजे तक का बेस्ट टाइम है, ताकि जितनी भी मॉइस्चर परसेंटेज हो कॉटन के अंदर वो ख़त्म हो जाए। और पिकिंग का जो ड्यूरेशन है ना, जो अगर हम अमेरिकन कॉटन का ड्यूरेशन देखें तो वो 15 to 20 डेज रखना चाहिए। अगर हम देसी कॉटन का ड्यूरेशन रखें तो 8 डेज का इंटरवल होना चाहिए। अमेरिकन के अंदर 15 to 20 डेज का इंटरवल है और देसी कॉटन के अंदर जो है वो 8 डेज का इंटरवल रखकर आपने पिकिंग करनी है। और डोंट मिक्स येलो स्पॉटेड कॉटन विद वाइट कॉटन, कि जो आपकी डिटेरियोरेट या लो क्वालिटी की कॉटन है जिसके अंदर आपका स्टेनर भी हो सकते हैं, डस्की भी हो सकता है या पिंक भी हो सकता है, उसको अच्छी क्वालिटी के साथ मिक्स ना करें बल्कि उनको अलहदा रखें ताकि आपकी प्राइस सही रहे। कॉटन के लिए भी ये नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ कॉटन, कि कॉटन कितने मॉइस्चर परसेंटेज पर स्टोर करनी चाहिए। कॉमनली तो कॉटन हम स्टोर नहीं करते बल्कि फौरन ही हम इसको जिन फैक्ट्रीज में भेज देते हैं, जो फिर भी अगर हमने कुछ दिन के लिए स्टोर करनी है तो इसका जो मॉइस्चर परसेंटेज है वो 8 to 10 होना चाहिए। इसके लिए भी एल्युमिनियम फॉस्फेट की टैबलेट्स हम यूज़ करते हैं कि जहाँ हमने जिस गोडाउन में या जिस रूम में रखनी है वो पहले फ्यूमिगेंट हो एल्युमिनियम फॉस्फेट से। नीचे उन्होंने एग्रीकल्चर हेल्पलाइन दी हुई है 08100 17000, ये एग्रीकल्चर हेल्पलाइन है जो जिसपे आप कॉन्टैक्ट करके कोई भी कंसल्टेंट्स ले सकते हैं। अब आगे है कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो महकमा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ कॉटन को ग्रो करने के लिए पंजाब में काम कर रही हैं। इनमें एक है WWF वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन और दूसरी है BCI बेटर कॉटन इनिशिएटिव के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है। दो ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही हैं और जिनका भी मेन मोटो यही है कि हम कॉटन की पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा करें। यह थी जी हमारी कॉटन, थैंक यू। नेक्स्ट जो क्रॉप्स हैं हम 3-4 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ना पूछ सकते हैं। इसमें हमारे से लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन किया था कि जो डेल्टा वेटर है वो किस तरह मेजर करते हैं, तो वो आपको बताते चले कि जितनी भी किसी भी क्रॉप की नंबर ऑफ इरीगेशन है उनको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर 4 आप प्लस बाद में कर देंगे तो वो डेल्टा ऑफ वाटर होता है। उतने एकड़ इंच जो है ना वो डेल्टा ऑफ वाटर आ जाता है। लेकिन क्योंकि शुगर केन जो है इसमें आपने वो नंबर ऑफ इरीगेशन को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है, +4 आपने इसमें नहीं करना। इसके अलावा बाकी जितनी भी क्रॉप्स हैं उसमें नंबर ऑफ इरीगेशन मल्टीप्लाई बाय 3 + 4, तो वो आपका डेल्टा ऑफ वाटर जो है कैलकुलेट हो जाएगा। जितनी भी हमारी आयल सीड क्रॉप्स हैं उसके अलावा एक मेजर क्रॉप हमारी रिमेनिंग है और फाडर है। इनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो नेक्स्ट संडे जो है वो स्पेशल क्लास होगी जिसकी टाइमिंग हम ग्रुप के अंदर अनाउंस करते हैं। अमीन भाई, आप क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको मैं ओवर करता हूँ, मैं जा रहा हूँ जी। जी मैं क्वेश्चन आंसर के जवाब देने लगा हूँ। एक क्वेश्चन आया कि बैंड वराइटीज, कॉटन की कोई भी वराइटी बैन नहीं है, इसमें बीटी कॉटन है और नॉन बीटी जिसको हम देसी वराइटीज कहते हैं। आवाज आ रही है ना जुनेद भाई? जी आपकी आवाज ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। ये क्वेश्चन था कि प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर या पर एकड़, जो प्लांट पॉपुलेशन है वो पर एकड़ है। उसमें ये कहा गया कि बीटी और नॉन बीटी वराइटीज में डिफरेंस क्या है। जो बीटी वराइटीज है इसमें एक जीन इंसर्ट किया गया है जिसे हम कहते हैं बीटी बेसिलस थुरिंजिएंसिस, जिसकी वजह से जितने भी बॉल वर्म्स हैं उनका अटैक बीटी पर नहीं होता। जो देसी वराइटीज हैं उसके अंदर बीटी का जीन जो वो इंसर्ट नहीं किया होगा, इसी वजह से हमें बॉल वर्म को कंट्रोल करने के लिए उन पर स्प्रे करना पड़ता है। कैलिब्रेशन ऑफ कॉटन बता दें, कैलिब्रेशन ऑफ कॉटन यही है कि आप 100 to 120 लीटर पानी जो इस्तेमाल करें, जिसके लिए आप 4 टैंकी भी लगा सकते हैं, 5 टैंकी भी लगा सकते हैं। एकड़ एंड हेक्टेयर में फर्क, इसमें ये जो एकड़ होता है, एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, 2.47 एकड़। इन्होंने कहा कि डी शेप बॉल की रीजन, डी शेप की बॉल की 2 रीजन है, एक डिजीज की वजह से भी हो सकता है और दूसरा स्टेनर की वजह से भी हो सकता है। डिजीज जो है वो बॉल रॉट है, जिसकी वजह से जो बॉल है आपका डी शेप हो सकता है, और स्टेनर के सैप को सक करने की वजह से भी आपका जो बॉल है वो डी शेप हो सकता है। लेट सोइंग में पॉपुलेशन इसलिए ज़्यादा रखते हैं क्योंकि लेट सोइंग में क्रॉप ड्यूरेशन कम हो जाता है, नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा करके हम यील्ड को इफेक्ट होने से बचा सकते हैं। मोनोपोडियल और सेम्पोडियल ब्रांचेस का पूछ रहे हैं कि वो एक्सप्लेन कर दें, वो मैं आपको लेक्चर के बाद ना पिक्चर्स जो हैं मोनोपोडियल और सेम्पोडियल की वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। फोर टैंक पर एकड़ मीन की जो स्प्रे वाली टैंकी होती है ना, वो 4 टैंकियां आपने 4 से 5 एक एकड़ पर स्प्रे करने के लिए लगानी है। हम देसी वैरायटीज को प्रेफर नहीं करते, हम मोस्टली जो पंजाब में शो हो रही है वो 95% वो बीटी वैरायटीज ही है। ये WWF ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट क्रॉप्स को देख रही है, एज लाइक BCI जो है वो, जिसका नाम है बेटर कॉटन इनिशिएटिव, वो जस्ट कॉटन को प्रमोट करने के लिए काम कर रही है। जो पीवी रोप्स है, पीवी रोप्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जी अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे रॉइस। राइस, जैसा कि सब जानते हैं कि राइस क्या है, राइस को हम लोकली चावल भी कहते हैं, पैडी भी कहते हैं। लोकली नोन एज चावल, जिसका जो लोकली नाम है चावल है। सेकंड मोस्ट वाइडली ग्रोन सीरियल इन द वर्ल्ड, जो ये सेकंड मोस्ट जो दूसरे नंबर पे सीरियल ग्रो होता है दुनिया में, वो उसका राइस का नंबर है। रफ राइस ग्रेन विद हल ऑब्टेन आफ्टर थ्रेशिंग आल्सो कॉल्ड पैडी, जो थ्रेशिंग के बाद हमें राइस अवेलेबल होता है, उसे हम पैडी भी कह सकते हैं। अब नीचे लिखा हुआ है कि जो पॉलिश, जिस तरह शेलर काम कर रहे हैं, वो पॉलिश के बाद जो राइस हमें मिलता है उससे हम क्या कहते हैं। द पॉलिशिंग राइस इज नोन एज ए वाइट या मिल्ड राइस, उसे हम वाइट राइस भी कहते हैं, उसे हम मिल्ड राइस भी कहते हैं। अगर हम पाकिस्तान में देखा जाए तो सेकेंड मोस्ट स्टेपल फूड इन पाकिस्तान। ब्रोकन राइस इज मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोल्ट्री फीड, जो शेलिंग या शाइनिंग के दौरान जो राइस जो टूट जाते हैं उसके लिए हम पोल्ट्री फीड के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो इसका, जब हम इसको थ्रैशिंग के लिए अलग करते हैं, जो इसका स्ट्रॉ या भूसा होता है उसको हम पैकिंग मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्लीपिंग मेट्स बनते हैं, बास्केट्स बनते हैं। जो इसका ब्रोकन राइस है वो आल्सो अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स हैं उनको बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है राइस प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स के, राइस के जो पौधा है इसकी कौन कौन सी खसूसियात हैं। रिजवान भाई स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। राइस कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो राइस कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। स्टेम इसका भी हेलो है। जो इसका रूट सिस्टम है वो शैलो होता है, कॉटन की तरह डीप नहीं होता। इसकी जो रूट्स की वो डेप्थ होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर तक डेप्थ जो है इसकी वो डीप सॉइल के अंदर जा सकती हैं। जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट या डेल्टा ऑफ वाटर राइस है वो 50 to 60 एकड़ पर इंच है। मेन की इसको टोटल जो ड्यूरेशन में पानी चाहिए होता है एक एकड़ को मुकम्मल ड्यूरेशन के लिए वो 50 टू 60 एकड़ इंच होता है, जिसे हम डेल्टा ऑफ वाटर भी कहते हैं। खरीफ क्रॉप है। किस सॉइल पर बेस्ट होती है? हैवी क्ले या क्ले लॉम सॉइल पर इज मोस्ट सूटेबल। पीएच टॉलरेंट क्रॉप है। अगर हमारी सॉइल की पीएच 4.5 टू 8.5 के दरमियान होगी तो इसके अंदर ये बेस्ट ग्रो करेगी, और जितनी ज़्यादा एसिडिक सॉइल होगी मीन के 4.5 तक 7 से लेके तो इसके अंदर इसकी जो प्रोडक्शन है वो हमें बेस्ट होगी। नेक्स्ट है कि इसकी सीड की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ सीड शुड बी 80%, कि हमने ऐसी वैरायटीज चूज करनी है जिसकी परसेंटेज, जर्मिनेशन परसेंटेज है वो 80% हो। नीचे एक ऑर्डिनेंस का जिक्र किया गया है, पंजाब एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस 1959। इसके मुताबिक ये है कि आप राइस की जो नर्सरी है वो 20 मई तक ग्रो या 20 मई तक काश्त नहीं कर सकते। इसकी क्या वजह है कि जो लास्ट ईयर के स्टबल्स है इसके अंदर स्टेम बोरर जो है वो प्रीवियस स्टेम बोरर होता है। जैसे ही मार्च या अप्रैल स्टार्ट होता है तो वो बाहर निकल के उसके परवाने जो हैं वो एगलिंग करते हैं, और जिसकी वजह से लार्वा डेवेल्प होता है। अगर हम राइस नर्सरी 20 मई से जल्दी काश्त कर लेंगे तो वहाँ से मार्च में जो स्टबल्स हैं उससे स्टेम बोरर के जो मॉथ्स हैं वो निकल कर राइस नर्सरी पे एगलिंग करेंगे, और अर्ली जो स्टेम बोरर आने का जो खदशा है वो अटैक हो सकता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि बासमती सीड की जर्मिनेशन होनी चाहिए 80%, हाइब्रिड सीड की जर्मिनेशन होनी चाहिए 70%। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसका बासमती सीड कौन सा होता है और हाइब्रिड सीड कौन कौन सा होता है। नीचे एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज दिया गया है, जितने भी हाईलाइटेड इन स्लाइड्स के अंदर पॉइंट्स हैं ना वो आपने अच्छे से याद करने हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। प्रीवियस ईयर राइस क्रॉप स्टबल शुड बी रिमूव बिफोर 28 फेब, कि आपकी जो प्रीवियस पिछली क्रॉप है उसके जो स्टबल्स हैं वो 28 फरवरी तक आपने उनको मुकम्मल रिमूव कर देना, ताकि जो आने वाली नेक्स्ट क्रॉप है उसके अंदर राइस स्टेम बोरर का जो है अटैक वो कम से कम हो सके। नेक्स्ट है राइस कल्टीवर्स के राइस की कौन कौन सी वैरायटीज इस्तेमाल हो रही हैं। एक स्लाइड बैक करें पीछे। इसमें दो किस्म की इस्तेमाल होती हैं, एक को हम कहते हैं मोटी इकसाम जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड, और एक होती है बासमती इकसाम जिसकी वजह से हमारा जो चावल जो है पूरी दुनिया में जाना जाता है वो है बासमती इकसाम, क्योंकि उसके अंदर से एक स्पेशल एरोमेटिक होते हैं, उसके अंदर स्पेशल एक स्मेल आती है जिसकी वजह से वो हमारा जो राइस है वो मुकम्मल मतलब कि पूरी दुनिया में मशहूर है। मोटी इकसाम में इजी 6 है, KS2A2 है, 133 है, नयाब इजी है, नयाब 2013 है, KSK434 है, निबी GSR 6 है। ये न्यू वैरायटीज हैं, जितनी भी वैरायटीज हैं ये आपको ने सब याद करनी है, क्योंकि पेपर में किसी भी वैरायटी का आपसे वो पूछ सकते हैं। इस तरह बासमती इकसाम की वैरायटीज हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें ना इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो हर दफा इनमें से कोई ना कोई पूछ सकता है। सबसे पहले है फाइन राइस नॉन बासमती के, मोटी वैरायटी है, बासमती भी नहीं है, लेकिन जो इसका राइस है वो फाइन है। इस वैरायटी का नाम है PK386। नीचे लिखा हुआ है बासमती हाइब्रिड कि ऐसी वैरायटी जो हाइब्रिड भी है और बासमती के करैक्टरिस्टिक्स रखती है, इसका नाम है KSK111H। ये दो वैरायटीज आपने अच्छे से याद करनी है क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज आ जाता है। नेक्स्ट है बैन वैरायटीज जो मैंने रेड में लिखी हुई हैं। बैन वैरायटीज में जिसमें है कश्मीरा, माल्टा, सुपरफाइन, सुपरा और सुपरी। सुपरी के नाम से ये जितनी भी वैरायटीज हैं ये सारी बैन वैरायटीज हैं। इनको ग्रो करना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बैन है। इनमें से लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था कि बैन वैरायटीज कश्मीरा कि राइस की बैन वैरायटीज कौन सी है। जो राइस की बैन वैरायटीज थी वो है कश्मीरा, क्योंकि कश्मीरा जैसे ही हमारे सामने आता ना हम राइस वैरायटीज समझते नहीं है, हम समझते हैं कश्मीरा कश्मीर वाली साइड पे है, ये कोई फ्रूट या फ्रूट की कोई वैरायटी होगी, लेकिन कश्मीरा जो है वो राइस की वैरायटी है। माल्टा भी राइस की वैरायटी है। सुपरफाइन, सुपरा और सुपरी, ये 5 वैरायटीज आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए और 2 दूसरी वैरायटीज भी, ताकि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई के इसको मार्क कर सके। नेक्स्ट है राइस नर्सरी कि हम राइस नर्सरी को किस तरह ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि राइस क्रॉप के लिए लगाने के लिए पहले हम राइस नर्सरी लगाएंगे। राइस नर्सरी जब हमारी तैयार हो जाएगी इसके बाद हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे अपने मेन ब्लॉक के अंदर। सबसे पहले जो तरीका है राइस नर्सरी का उसे हम कहते हैं वेट मेथड, और इसको हम उर्दू में कहते हैं कद्दू का तरीका। कद्दू का तरीका या वेट मेथड, इसके लिए हम सीड को पहले स्प्रूटेड करते हैं। स्प्रूटेड कहते हैं उर्दू में अंगूरी मारने को, अंगूरी मारना या स्प्रूटिंग। इसको हम क्या तरीका करते हैं कि पहले हम इसको 24 आवर के लिए पानी में हम डिप करेंगे। इसके लिए साथ ही हम इसके सीड ट्रीटमेंट या कोई भी फंजीसाइड या केमिकल इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करने हैं वो हम लगाएंगे। 24 घंटे बाद इसको हम 15-20 kg की ढेरिया लगा देंगे ताकि हवा में इसकी एरेशन हो सके, और इसके साथ साथ इसके ऊपर हम पानी भी डालते रहेंगे ताकि जो हमारा सीड है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई ना हो। 36 से 48 आवर के बाद जो हमारा सीड है ये स्प्रूटेड हो जाएगा, इसको अंगूरी जिसे हम कहते हैं कि अंगूरी मार जाएगा। इसके लिए हम जो सीड रेट इस्तेमाल करते हैं, इजी सीड हम इस्तेमाल करते हैं 1 kg/मरला, और जो फाइन वैरायटीज है उसका हम इस्तेमाल करते हैं 500 to 700 ग्राम/मरला जो है इसका जो सीड रेट हम यूज करते हैं। ये आपने अच्छे से याद करना है क्योंकि इसके अंदर से एक MCQ हर दफा कोई ना कोई आया होता है कि वेट मेथड के जरिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो फाइन वैरायटी का सीड रेट क्या है और इजी का सीड क्या है। इस तरह जो पनीरी तैयार होगी 25 to 30 डेज के अंदर जो हमारी जो पनीरी है वो राइस नर्सरी वो मुकम्मल ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट मेथड ड्राई मेथड, जिसके हम खुश्क तरीका जिसे कहते हैं कि ऐसे एरियाज जहाँ पे पानी की कमी है वो ड्राई मेथड यूज करते हैं। सेम मतलब इसके लिए हम करते हैं कि राइस नर्सरी का जो सीड है वो हम जो हमने प्लॉट सेलेक्ट किया उसके अंदर सो करके ऊपर हम इसको पराली वगैरह या हीप्स वगैरह या किसी का ना ऊपर डाल देते हैं खुश्क। ठीक है, जैसे ही 2-3 दिन के बाद जो ऊपर से पराली या जो राइस का स्ट्रॉ होता है वो ऊपर से उठा लेते हैं ताकि जो हमारा जो वेपोरेशन है पानी की वो कम हो सके। ठीक हो गया। इसके लिए हम जो सीड इसका जो सीड है ना सीड रेट वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। जिस तरह इजी सीड था ड्राई में वेट मेथड में था 1 kg, इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1.5 kg पर मरला। और इसी तरह फाइन वैरायटी है वो 500 ग्राम से चला गया 750 ग्राम पर मरला। और इस तरह की जो प्रीरी और राइस नर्सरी हमारी तैयार होती है ना वो होती है 35 to 40 days रिक्वायर्ड होते हैं। इस तरह एक नीचे तरीका बताया हुआ है खुश्क तरीका या ड्राई मेथड ये भी है। इसके लिए हम ये डीजी खां के इलाके में मोस्टली इस्तेमाल होता है। इसके लिए हम जो सीड रेट है वो इजी सीड 2 kg इस्तेमाल करते हैं और फाइन सीड है वो 1 kg पर मरला इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम ये करते हैं कि जो राख होती है ना स्ट्रॉ की वो हम डालकर फिर हम ऊपर सीड शो करते हैं। नेक्स्ट है इसकी प्लांट पॉपुलेशन। प्लांट पॉपुलेशन जो है ना वो राइस ब्लॉक अंदर एक एकड़ के अंदर होनी चाहिए। 1,60,000 प्लांट पॉपुलेशन पर एकड़ होनी चाहिए। ये किस तरह हम निकालेंगे कि हर प्लांट का जो डिस्टेंस है वो 9 इंच के फासले पर हो। 9 इंच के जैसे ही डिस्टेंस पर होगा, ठीक है, तो हर होल के अंदर हम 2 प्लांट्स लगाएंगे। मीन कि अगर हम 9 इंच का डिस्टेंस रखें हर प्लांट के अंदर तो ये 80,000 होल्स बनते हैं। और हर होल के अंदर हम 2 प्लांट्स हम लगाते हैं तो ये टोटल बनते हैं 160,000 प्लांट पॉपुलेशन, जो कि अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए हमारे फील्ड में मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट है वीड्स ऑफ राइस। राइस में 3 तरह की वीड्स होती हैं, ग्रासी वीड्स है, डीला फैमिली की वीड्स हैं और ब्रॉड लीव्स हैं। जो ग्रासी वीड्स हैं, नेक्स्ट में ग्रासी वीड्स लॉन्ग एंड शार्प एजेस वीड्स लॉन्ग स्टेम विद नोट्स। मतलब ये कि जिस तरह ग्रास के लीव्स होते हैं ग्रासी वीड्स के उसी तरह के होते हैं कि पत्ते जो इनके लंबे होते हैं और जो इनके एजेस होते हैं वो तेज होते हैं, शार्प एजेस होते हैं। जो इनका स्टेम होता है वो बिल्कुल लॉन्ग विद नोट्स के डिफरेंट नोट्स होते हैं। इनकी जो डिटेल है ना आपके नाम लिखे हुए हैं, ये आपको अच्छी तरह सारे ना याद करने हैं। नीचे जो है डीला फैमिली की वीड्स हैं, ब्रॉडली वीड्स हैं, इनके भी नाम लिखे हुए हैं, टेक्निकल नेम भी लिखे हुए हैं, उर्दू में भी नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं क्योंकि इनमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। इसके आगे उन्होंने बताया गया है कि आपने जिंक सल्फेट यूज़ करना है कि जिन सॉइल में जिंक सल्फेट की कमी है आप उधर जिंक सल्फेट यूज़ करें, बोरिक एसिड यूज़ करें, जिंक ऑक्साइड्स जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है राइस नर्सरी विद मशीन। कि जो पहले हमने राइस नर्सरी का वे पढ़ा था ना, या हमने अभी प्रीवियस पढ़ा है, वो था कि हम अपनी ज़मीन पे लगाते हैं। लेकिन अब जो राइस नर्सरी ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल मशीन्स आ गई हैं, ठीक है, वो ट्रैक्टर के पीछे लगती है और हमें लेबर की ज़रूरत उसके लिए नहीं पड़ती। ठीक है, वो है राइस नर्सरी विद मशीन, जिसके लिए हम जो राइस नर्सरी प्रिपेयर करते हैं ना वो हम ट्रेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है इसका बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है कि लेबर हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है और नंबर ऑफ लेबर जो है वो बहुत कम हो गया क्योंकि हमें लेबर नहीं मिलती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि जो लेबर मौजूद होती है ना हमारे फील्ड में वो हमारी प्लांट पॉपुलेशन पूरी नहीं करती। उन्हें आइडिया नहीं होता कि जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो 9 इंच हमने मेंटेन रखना है। वो कोई 1 फीट पे लगा होता है पौधा, कोई 1.5 फीट पे लगा होता है। लेकिन जब हम मशीन के जरिए लगाते हैं तो मशीन को हम ऐसे सेट करते हैं जो हमारा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो मेंटेन हो जाता है। ठीक है। उसके लिए नेसेसरी थिंग्स क्या है, हमारे पास ट्रेज मौजूद होनी चाहिए जिसके अंदर हमने पनीरी कास्टल राइस नर्सरी लगानी है। सबसे पहले 1 एकड़ राइस नर्सरी के लिए जो हमें ट्रेज रिक्वायर्ड होती है वो 100 to 120 ट्रेज हमें हमारे पास मौजूद हों तो हम 1 एकड़ की नर्सरी लगा सकते हैं, जिसके लिए हमें सीड रिक्वायर्ड होता है 8 to 10 kg पर सीड। 1 एकड़ की नर्सरी के लिए 100 to 120 ट्रेज रिक्वायर्ड है और जितना सीड होगा उसका सीड रेट है 8 to 10 kg। और इसको सबसे पहले हमने सॉइल को सीव करना है, ऐसी हमने सीव लेनी है जिसका होल जो है 5 mm होल हो, ठीक है। 1 मरले के लिए 100 ट्रेज लगानी चाहिए और इससे पनीरी जो राइस नर्सरी जो हमारी तैयार होगी ना वो 25 to 30 डेज नर्सरी लेगी। और जब हम राइस नर्सरी लगाएंगे, जो मशीन हम सेट करते हैं राइस नर्सरी के लिए, इसमें प्लांट टू प्लांट जो हमारा डिस्टेंस है वो होता है 6 इंच और लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस होता है वो होता है 12 इंच। आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जो राइस नर्सरी मशीन के जरिए लगाई गई है वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस उसका होगा 6 इंच होगा, लाइन टू लाइन डिस्टेंस होगा 12 इंच। लेकिन जो बाकी हमने बाई हैंड हम राइस नर्सरी लगाते हैं जिसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसका जो डिस्टेंस है वो हम रखते हैं 9 इंच ओवरऑल फील्ड का। और जो राइस नर्सरी मशीन के जरिए लगा रहे हैं इसकी जो डेप्थ हम लगाते हुए सेट करते हैं वो है 1.5 इंच। उसके बाद डिजीज आ गई कि राइस की डिजीज क्या है। सबसे पहली जो डिजीज है वो है ब्राउन लीफ स्पॉट। जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है बाइप्लरस ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ये दो कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो ब्राउन लीफ स्पॉट को की राइस पे आने की वजह बनते हैं। एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि डिजीज काज बंगाल फेमाइन 1943 के ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस की वजह से जो फेमाइन आया था 1943 में बंगाल में, कि इस डिजीज ने आके बंगाल की जो जितनी भी क्रॉप थी ना वो सारी खत्म कर दी थी। इसकी सिम्टम्स क्या है कि स्मॉल सर्कुलर टू ओवल रेडिश स्पॉट के पूरे पत्तों पर जो है ना वो स्पॉट्स बन जाते हैं भूरे कलर के। जब इसकी बीमारी में इंटेंसिटी आ जाती है तो जितने भी स्पॉट्स हैं ना वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं, पहले लीव्स पे होते हैं फिर स्टेम पे चले जाते हैं, एट द एंड वो इसके स्पाइक्स पर भी पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट आप इसकी अगर पिक्चर देखें ना तो आपको इसमें से दिखाए गए हैं। ये आपको स्लाइड्स आपके सामने आ गई है कि ब्राउन लीफ स्पॉट्स हैं, लीव्स पे स्पॉट्स बने हुए हैं लॉन्ग, बाद में इनको जब स्वेर अटैक होता है दरम्यान में ये वाइट कलर के भी हो जाते हैं। ये फंगल डिजीज है, इस पे आप फंजीसाइड अप्लाई करके भी आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है जी बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट ये बैक्टीरिया की वजह से होती है जिस काजल ऑर्गेनिज्म की होते हैं, उसका नाम है ज़ैंथोमोनास ओराइजी पीवी ओराइजा। ये बैक्टीरियल डिजीज अटैक इन पैचेस कि मुकम्मल फील्ड में इसका अटैक नहीं होता, किसी कॉर्नर में आपको पहले सबसे पहले इसकी सिम्टम मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये फैलती फैलती पूरे एकड़ को कवर कर लेगी अगर आपने टाइमली उस पर कंट्रोल ना किया। जो इसका स्ट्रॉ है मेन के स्टेम या लीव्स हैं ये येलो टू वाइट, पहले येलो ग्रीन से येलो होते हैं उसके बाद फिर वाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो ब्लाइटिंग जो डिजीज स्टार्ट होती है वो लीफ के टिप से स्टार्ट होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे स्टेम की तरफ आती है और फिर पूरे प्लांट को वो कवर कर लेती है। उसके बाद वाइट स्ट्रिप्स अपीयर्स ऑन लीव्स कि जो एट द एंड जब इसका बहुत ज़्यादा शदीद अटैक हो जाता है तो जो हमारा पूरा प्लांट है ना या जो स्टेम है वो आपको वाइटिश लुक देगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम पिक्चर्स आपको दिखा रहे हैं कि जो बैक्टीरियल ब्लाइट है। रिजवान भी बैक साइड में कहें। ये जी देखेंगे आप लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है ना इसमें आप देख रहे हैं कि जो बैक्टीरियल ब्लाइट है वो एक पैचेस में आ रही है, इसके इर्द गिर्द सारे प्लांट्स ठीक हो रहे हैं लेकिन एक पैचेस जो है ना वो बिल्कुल ही ड्राई हो रहा है। अगर इसका लीफ देखें तो ये आप राइट साइड में पिक्चर्स में देख रहे हैं कि ये टिप से स्टार्ट हुई है, ठीक है, पहले येलो हुआ फिर ये वाइट लुक देने लग गई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइस ब्लास्ट। राइस ब्लास्ट भी फंगल डिजीज है, जो उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है पायरिकुलेरिया ओराइजी। ग्रेइश ब्राउन लीजन ऑन नेक आई शेप्ड, जो ब्राउन लीफ स्पॉट और राइस ब्लास्ट में है ना, जो इसके जो स्पॉट्स होते हैं ना वो बिल्कुल जैसे आंख नहीं होती आई शेप्ड, वैसे इसके स्पॉट्स जो है ना वो लीफ पे हमें अपेयर होते हैं। गिल्डिंग ऑफ नेक एंड ग्रेन फॉल ओवर, मतलब कि ये जितने भी स्पाइक्स हैं हमारे छिट्टा उस पर भी मौजूद होगा। डिस्कलोरेशन ऑफ ग्रेन ब्लैक कलर, जो हमारा ग्रेन है ना अगर इसका बहुत ज्यादा एक्यूट अटैक हो गया तो वो ग्रेन जो है वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। आफ्टर इन्फेक्शन पोर क्वालिटी ग्रेन ब्रांच स्पाइक्स एंड स्पाइकलेट्स, जो स्टार्ट में जितने भी होंगे ना आई शेप स्पॉट्स पहले वो ब्राउन होंगे, एट द एंड वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट पिक्चर में स्लाइड में इसकी पिक्चर्स डायग्राम दिखाई गई हैं। नेक्स्ट है बकाइनी। बकाइनी है फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक फंगल डिजीज है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। रिजवान भाई नेक्स्ट स्लाइड। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसकी दो सिम्टम्स हैं। एक तो ये राइट साइड भी हम डायग्राम देखते हैं ना, तो जो राइट साइड पे प्लांट है ये बिल्कुल नॉर्मल है, जो ये लेफ्ट साइड पे जो बिल्कुल हमें येलो नजर आ रहा है ये बकाइनी की डिजीज है, क्योंकि इसमें जो प्लांट होता है वो एक तो लाइट वेट हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, ठीक है, और जो इसका कलर है वो डिसकलर हो जाता है। लेफ्ट साइड पे डायग्राम दिखाई गई है, इस पे जो नोड्स होते हैं ना उनकी रूट, वहाँ पे रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अगर दो या तीन जितने भी नोड्स होंगे हर नोड पे आपको रूट्स मिलेंगे। ये जो सिम्टम्स हैं ये बकाइनी डिजीज की हैं, ठीक है, और इस पे ग्रेन फॉर्मेशन होती है लेकिन बहुत वीक सी होती है। नेक्स्ट अगर हम उसी सीड को यूज करेंगे तो वो हमारे फील्ड में फिर दोबारा आ जाएगी। नेक्स्ट है स्टेम रॉट। स्टेम रॉट जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है स्क्लेरोशियम ओराइज़ी, ये भी एक फंगल डिजीज है, ठीक है। स्टेम रॉट का मतलब आपने सामने बताया कि स्टेम तना रॉट गलना, चीज में जो राइस क्रॉप है उसका जो तना है ना वो बिल्कुल गल जाता है और उस पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स नजर आने लग जाते हैं। नेक्स्ट दिखाना, ये देखिए आप देख रहे हैं ना कि जितने भी स्टेम है ना ये बिल्कुल ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रहे हैं और मुकम्मल तौर पर ये रॉट हो गया, मतलब कि गल सड़ गया। अगर इसके ऊपर ग्रेन फॉर्मेशन भी होगी तो वो प्लांट बिल्कुल नीचे की तरफ झुक जाएगा, अमूमन कि वो नीचे चला जाता है नीचे है। उसके बाद जो हमारी डिजीज है वो है शीथ ब्लाइट, जिसे हम कहते हैं राइजोक्टोनिया सोलोनी। ये एंड पे इसका अटैक होता है जबकि पेनिकल्स बन चुके होते हैं। इसका क्या है कि जनरली राइजोक्टोनिया सोलोनी generally appear at maximum tiller stage, irregular long lesions on leaf sheath, जो नीचे लीफ शीट होती है ना स्टेम के ऊपर आई शेप इसके स्पॉट्स बन जाते हैं, जो वाटर लेवल के बिल्कुल ऊपर वाली सतह होती है, ठीक है। बाद में ये जो स्पॉट्स हैं वे मुकम्मल तौर पर पूरे पौधे को कवर कर लेते हैं, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाया गया है। ये आप देखेंगे कि जो शीथ ब्लाइट ने स्टेम है ये वाटर लेवल से जो ऊपर वाला स्टेम है ऊपर ये वाइट और ब्राउन स्पॉट्स बन गए हैं, जिसे इस बीमारी का नाम है शीथ ब्लाइट, और ये भी कॉमनली अब मिल रही है राइस में। नीचे आगे है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस। बोरर है तीन किस्म के, आपने पढ़ लिए हैं, जिसमें व्हाइट, येलो और पिंक बोरर है। नेक्स्ट स्लाइड। जो हम ETL लेवल देखते हैं ना राइस का, उसमें से आपने एक चीज आपने याद रखनी है हमेशा कि दो स्टेम बोरर का है 5% डेड हर्ट जो है इसका ETL लेवल है। इसमें दो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, एक होता है डेड हर्ट, दूसरा होता है वाइट हर्ट। डेड हर्ट होता है कि जो पेनिकल बनने से पहले पहले जो होता है ना, उसे हम कहते हैं डेड हर्ट। जिस तरह ये शाखें ब्रांचेस जो है ना राइस की, ये ड्राई हुई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद वाइट हेड उस टाइम आता है जब पेनिकल्स बन जाता है, पेनिकल्स बिल्कुल वाइट होता है स्टेम बोरर की वजह से, उसके अंदर ग्रेन फॉर्मेशन नहीं होती, उस स्टेज को हम काउंट करते हैं वाइट हेड। 5% डेड हेड इसका ETL लेवल है, 5% वाइट हेड भी इसका ETL लेवल है। अगर हम राइस नर्सरी की बात करें तो राइस नर्सरी में जो स्टेम बोरर का ETL लेवल है वो 0.5% है, उधर 5% नहीं है। आपने ये कंफ्यूजन दूर करनी है क्योंकि ये MCQs पेपर में मौजूद होता है कि 5% डेड हर्ट क्रॉप में है या राइस नर्सरी में है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है लीफ फोल्डर, कि ऐसा लार्वे होता है जो राइस के पत्तों को फोल्ड कर देता है, ठीक है। इसका ETL लेवल अगस्त में 2 फोल्डेड लीव्स पर लीव हैं और सितंबर में 3 फोल्डेड पर लीफ है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी वाइट बैक प्लांट होपर। वाइट बैक प्लांट होपर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। वाइट बैक प्लांट होपर, इसका जो अटैक होता है वो भी हमें पैचेस में होता है और ये बिल्कुल रूट्स के पास हमें जो नीचे वाला स्टेम होता है उसके अंदर ये अटैक हमें देखने को मिलता है। और एट दी एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो MCQs ये पहले आ चुका है कि हार्वेस्टिंग टाइम जो मॉइस्चर परसेंटेज है राइस क्रॉप का वो 20 से 22% मॉइस्चर होना चाहिए। और जब हम इसको स्टोर करते हैं, स्टोरेज टाइम जो राइस का जो है ना मॉइस्चर परसेंटेज वो 12 to 13% होना चाहिए। जी आज ना हमारी 3 क्रॉप्स कवर हो चुकी हैं, ठीक है। और आई थिंक ये 3 क्रॉप्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि आप भी काफ़ी 2 आवर्स लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। जो मेज़ की क्रॉप है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। तो जो रिजवान भाई मेज़ क्रॉप है ना ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हेलो जिशान भाई, बात आवाज आ रही मेरी? जी अमीर भाई, आप जो क्वेश्चन है उनके जवाब देते जाएं। जी ओपन कर दें माइक। मैं चैट देख रहा हूं, जो क्वेश्चन है मैं उनके जवाब दे रहा हूं। जी ठीक है, आपका माइक ओपन है, आप जवाब देते जाएं। आपको जो सवाल आ रहे हैं चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन ये था कि डेल्टा ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं। डेल्टा ऑफ वाटर जो है ना वो एक ऑलरेडी मेंशन है कि किस इरिगेशन के लिए कितने एकड़ इंच पानी चाहिए, वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन है डेड हर्ट और वाइट हर्ट। डेड हर्ट हम उस टाइम तक कहते हैं जब तक आपका पेनिकल नहीं बना होता, लेकिन जब आपका पेनिकल बन जाता है, मीन कि आपका सीटा बन जाता है, ठीक है, तो जो सीटा है ना वो स्टेम बोरर के अटैक की वजह से वाइट कलर का हो जाएगा, उसके अंदर जो ग्रेन है वो नहीं बनेंगे। तब हम जो स्टेम बोरर का जो अटैक है वो वाइट हेड काउंट करेंगे, उसको डेड हर्ट नहीं कहेंगे। उसके बाद कॉटन सीड और सीड कॉटन, इसमें एक ये है कि एक डिलिंडिंग से पहले है और एक डिलिंडिंग के बाद है। इसमें स्काउटिंग ऑफ पेस्ट दोबारा करवा दें, ये आपको भी करवा दिया जाएगा दोबारा, पेस्ट स्काउटिंग क्या है। राइस सोइंग 20 मई के बाद करते हैं। इसकी एक्सप्लेन किया, मैंने आपको बताया था कि पंजाब एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस है 1959, इसमें बताया गया कि आपने 20 मई से पहले राइस की नर्सरी काश्त नहीं करनी। इसकी वजह यह है कि जो मार्च अप्रैल तक स्टबल्स मौजूद होते हैं ना राइस के, इसके अंदर स्टेम बोरर मौजूद होता है। अगर आप मई से पहले इसकी राइस नर्सरी ग्रो कर देंगे तो वो स्टबल से जो स्टेम बोरर के मोथ्स परवाने निकल के आपकी राइस नर्सरी पर एग्लिंग करेंगे। जैसे ही वो एग्लिंग करेंगे तो अर्ली होने की वजह से आपकी राइस नर्सरी पर स्टेम बोरर का अटैक हो जाएगा। इसमें एक चीज सवाल था कि आपकी फर्टिलाइजर जो डोज है ना वो मिसिंग है। जो जितनी भी फर्टिलाइजर डोज है ना आपकी, वो आपने रट्टा ही लगाना है। इसलिए आपको प्लान जो है वो चारों क्रॉप्स के सेंड कर दिए गए थे ताकि आप उधर से आप उसको देख लें। जी तकरीबन सारे सवाल हो चुके हैं। निशान भाई, आमिर भाई जी, थैंक यू वेरी मच ज़ाहर अमीन भाई। निशान भाई तो इस वक्त एब्सेंट है, तो मैं इस सेशन को जो है वो कंक्लूड करता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तीन क्रॉप्स की टेक्नोलॉजीज अमीन भाई ने जो है वो आपको पढ़ाई है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उनको समझा भी होगा। और बाकी ये प्रोडक्शन नॉलेजी जो है वो ग्रुप के अंदर भी शेयर की जा चुकी हैं, और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स भी कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो है वो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स जो है वो शेयर कर दें, तो ये भी आपके साथ शेयर कर देंगे लेकिन सेशन के एंड के ऊपर, ताकि स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो बहाल रहे। तो होपफुली जो आप जितनी भी हमारी क्लासेज हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ले रहे हैं और समझ रहे हैं चीज़ों को। आप लोगों के बाकी जो क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा भी मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा एग्रोनॉमी का पूरा एक सेशन होने वाला है, सॉइल साइंस का सेशन होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं डिफरेंट, ये बहुत सारे एग्रोनॉमी के रिलेटेड हैं, कुछ हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड हैं, कुछ सॉइल साइंस के रिलेटेड हैं। तो ये आगे हमारी जो क्लासेस आएंगी उनके अंदर आपको तफसील के साथ ये क्वेश्चन आपके जो है वो समझाए जाएंगे। तो प्लांट पैथोलॉजी भी आपको पढ़ाएंगे। एक स्टूडेंट का सवाल है जी प्लांट पैथोलॉजी भी आपको बिल्कुल पढ़ाएंगे। आज रात क्लास होगी? नहीं जी, आज रात क्लास नहीं होगी। हमारी क्लास जो है वो कल रात को होगी इंशाल्लाह 9:30 बजे एक्सटेंशन और एंटोमोलॉजी की। हमारा 2 दिन का सेशन जो है वो रहता है एंटोमोलॉजी और एक्सटेंशन का। तो लेकिन आज हमारा मॉक टेस्ट जो है वो भी नहीं होगा, मॉक टेस्ट भी कल होगा हमारा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जिस दिन हमारा सेशन होगा उसी दिन ही हमारा जो है वो मॉक टेस्ट हुआ करेगा। तो कल हमारा सेशन होगा इंशाल्लाह एंटोमोलॉजी और एग्री एक्सटेंशन का रात 9:30 बजे, लेकिन उससे पहले 6 से 8 बजे जो है वो हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर कर देंगे अपना जो मॉक टेस्ट का लिंक है, तो आप मॉक टेस्ट लिए जा सकते हैं। और 9:30 बजे इंशाल्लाह ताला हम अपना एंटोमोलॉजी और एग्री एक्सटेंशन का सेशन करेंगे। 2 दिन का सेशन बाकी है, उसके बाद जो है हम जो अपने बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने हमारा लेक्चर जो सुना है। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। आज की छुट्टी है शाम की, और कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी रात 9:30 बजे। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस।